देखो क्या बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू एक्स ऑफ द गिवेन इक्वेशन, है ना। तो अभी तक हम लोग लीनियर इक्वेशन ही पढ़ रहे थे, तो वही चीज है। अभी तक जो इक्वेशन पढ़े थे बाबू, उसमें एक्स मेरा कहाँ था, न्यूमरेटर में ही ना था बाबू। जैसे अभी तक जो भी इक्वेशन पढ़े, 2x+3 = मान लो 2 है, तो यहाँ पे आपको क्या बोले कि एक्स को अकेले रखो, है ना। एक्स को क्या करो, अकेले करो, फाइंड और एक्स का वैल्यू निकाल के इसको क्या करो, सोल्व करो, है ना, सोल्व करो। ठीक, अभी अगला अगला काउंट सा टाइप है बाबू। आपको एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मिलेगा, न्यूमरेटर में भी एक्स मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी एक्स मिलेगा, तब कैसे अकेले करेगा। तो तब अकेले जिस मेथड से करो बाबू, उसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब क्या होता है, वो क्रॉस मतलब इस 5 को, शांति से समझना, इस 5 को बाबू, इस 5 जो डिनोमिनेटर में 5 है, इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ये नीचे वाला उसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। पहले शांति से 10 मिनट सुनना है, उसके बाद लिखना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो। देखो कैसे करोगे, ऊपर वाला टर्म क्या है, 2x+5 है ना। ठीक सर, तो 2x+5 दोनों में, ये यहाँ का डिनोमिनेटर, इसके जो दोनों टर्म है दोनों में मल्टीप्लाई करना है, एको में नहीं मल्टीप्लाई करना, गलती हो जाएगा। 2x+5 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो इसमें मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 से किस में मल्टीप्लाई करो, 2x+5 में। तो दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में ना। ठीक बाबू, फिर 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 लिखो, और ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना ये 3 से। तो दोनों टर्म क्या है सर, 3x+7 है ना। ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो इसको कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे, है ना, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखोगे, तभी ना हम लोग कहेंगे ये जो 3 मल्टीप्लाई इसमें भी है, इसमें भी। इतना कर लिया था, अब कुछ नहीं, इतना कर लिया तो आंसर आ गया, अब कुछ नहीं करें। अब बचपन में जैसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इधर करो, चाहे मल्टीप्लाई को इधर लिखो, बात बराबर है। 5 को इधर मल्टीप्लाई करें, चाहे सर चाहे 5 को शुरू में मल्टीप्लाई करें, कोई अंतर थोड़ी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, चाहे इसी को शुरू में मल्टीप्लाई करें, कोई अंतर नहीं होता। नेक्स्ट समझना, है ना, ये हो गया 3x+7। समझते चलना, आसान सा, इससे आसान कुछ नहीं है, ये सबसे आसान वाला। उसके बाद क्या बोले हैं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा बताए हैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा नहीं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10x हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 5 को, अरे शैतान, इसको मल्टीप्लाई, इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, 5 × 2x, ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे है, प्लस 5 को किसके साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इक्वल टू। 3 को किसके साथ, 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 3x। नेक्स्ट, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 के साथ, है ना। ठीक हो, नेक्स्ट 5 × 2 कितना हो, 2x 10x हो जाएगा। 5 × 5 कितना, 25 हो जाएगा। 3 × 3x कितना, 9x। बचपन में पढ़ाई किए हैं अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। 3 × 7 = 21 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या बताए थे, उसके बाद आपको हमने क्या बताया कि एक्स, अब ये लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, वन वेरिएबल हो गया, यहाँ भी एक्स का टर्म, एक्स का टर्म। तो इसके बाद बताए थे ना, एक्स वाले टर्म को क्या करेंगे, एक्स साइड करेंगे, बताया है ना बाबू, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए ना बताए थे जी। एक्स वाले टर्म को एक्स साइड करो, तो 10x, ये 9x पकड़ के इधर लेफ्ट साइड लेके आओ, 9 को पकड़ के लेफ्ट साइड लाएगा 9x को, तो क्या होगा, -9x हो जाएगा। इधर 21 है, ये +25 है, राइट साइड जाएगा, +25 राइट साइड जाएगा, तो -25 हो जाएगा। अभी बचपन में नहीं सिखाए, 9x - 10x - 9x, 10x - 9x, x बच गया, 21 - 25 बचपन में सिखाए है ना। 25 में 21 घटाओ, 4 हो जाएगा, बड़का नंबर 25 के आगे साइन माइनस है, तो माइनस दे दो। तो यही x, यही एक्स क्या हो गया, अकेले हो गया ना, एक्स क्या हो गया, अकेला हो गया। तो जब एक्स अकेला हो गया, तो एक्स बराबर -4 क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, है ना, इस इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। राइट डाउन करो, जिसको नहीं समझ में आया 682 समझाते हैं, राइट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। एस ऑन वीडियो ऑन करो, अगस्त्य बाबू ऑन कीजिए, विक्रम बाबू ऑन कीजिए, कौन सा वीडियो ऑन करो। हाँ जी, नेटवर्क आपका वीडियो पॉज हो जा रहा है, इसलिए मैं नहीं ऑन कर रहा हूँ। अगस्त्य बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला समझाइएगा सर, मैं लीव हो गई थी। अच्छा अगला लिखिए, लिखिए ना, समझाते हैं। लीव हो गई थी बाबू,
एस वन सहित अनाउन करो बाबू। सर हमको मतलब मोनोमियल में तो बाइनोमियल वाला ही प्रोसेस डाल दे तो भी चलता है। हाँ कुछ कुछ वैसे मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में शांति से सुनो, अगला वाला में समझ। शालिनी बाबू ऑन कीजिए, देखो शांति नहीं है जी। सर ये मतलब ये जो जो डिवीजन के नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिवीजन के ऊपर वाला टर्म है वो नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन शांति से सुनो, उसमें समझ में आ जाएगा। सर बहुत बड़ा प्रोसेस है ये। नेक्स्ट बाबू सर मोबाइल रोटेट अच्छा लिखे जल्दी, मोबाइल रोटेट करो लक्ष्मी भोले, कैसे छोटे को देख रहे कछुआ, रोटेट करो मोबाइल। अरे बाबू रोटेट करो जी मोबाइल को हॉरिजॉन्टल बार बार डे। अरे मोबाइल ऐसे करो, रोटेट मत करो, ऐसे करो मोबाइल, ऐसे इस मोड में ऐसे मत। म्यूट करो इसका भोले, स्वर्ण वीडियो ऑन करेगा जी, इसका भी दिन खराब आजकल हो रहा। सर रेडमी 8 करके कोई आता है? आप वही ध्यान देना, पढ़ना ना या रेडमी 8 या रेडमी 7 करना। नेक्स्ट बाबू जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन देखो समझो, कुछ नहीं करना बाबू, देखो शांति से समझो। इधर वाला 5 है, ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ वाला जो नीचे है इसको इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को इधर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में जो टर्म रहेगा सारे के साथ, तो 2x+5 ये दोनों के साथ कैसे लिखोगे ब्रैकेट में। ये 3x+7 को मल्टीप्लाई करना इधर वाला 3 के साथ, तो 3x+7 कैसे लिखोगे ब्रैकेट में, तब ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद IJTJ बाबू नॉर्मल है, मल्टीप्लिकेशन करो और फिर बाबू लेफ्ट राइट करो और आंसर लाओ। ठीक नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 682 नंबर। कहाँ थे शांतनी, बोलो शांतनी बाबू। सर कहीं नहीं थी। तो लेट से कहाँ आती बाबू? सर टाइम नहीं देख पाई थी इसलिए लेट हुई। अगला क्वेश्चन 682 नंबर, देखो क्या करा, 2x+1 3x-2 है, क्या करा 2x+1 कितना बाबू 682 नंबर। कितना क्वेश्चन दिया इस तरह बोले 2x+1 डिवाइडेड बाय 3x-2 9/10 अच्छा ठीक है, क्या हुआ रोशनी बोले? माइक कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या हो गया माइक कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या बता रहा बाबू? अच्छा देखो बाबू है ना, ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, दीदी वाला मोबाइल से कीजिए बाबू। अच्छा चलो ठीक, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो। देखो नेक्स्ट बाबू, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, शांति से सुनना, हम लोग क्या करेंगे बाबू, 10 है तो इस 10 को ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या करेंगे इस 10 को इधर मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या शांति समझो, 2x+1 इसका माइक अनम्यूट है जी, संकल्प म्यूट करो जी,
बैठ के खाली गप करते रहता है। ठीक, 2x + 1 है तो इसके साथ हम लोग का यहाँ का डिनोमिनेटर है, अरे सेकंड, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 2x + 1 है, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों टर्म में करोगे ना, अरे शैतान, ऐसे मल्टीप्लाई अगर खाली लिखते हो 2x + 1 × 10, तो ये 10 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 से समझा जाएगा, किसके साथ समझा जाएगा, 1 के साथ, है ना। ठीक, हमको दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में यहाँ जितना टर्म रहेगा सारे के साथ, तो ब्रैकेट में लिखना। ठीक, नेक्स्ट समझो, ये जो 3x - 2 है, ठीक, 3x - 2 है, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ, मतलब इक्वल टू, बीच में इक्वल टू दो, 9 को मल्टीप्लाई करोगे किसके, यहाँ वाला डिनोमेटर, इसका डिनोमेटर, इसका न्यूमरेटर, 3x - 2, 9 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो अगर ये बिना ब्रैकेट देखो तो 9 का मल्टीप्लीकेशन 3x के साथ समझा जाएगा, 2 के साथ नहीं, हमको दोनों के साथ करना रहता, तो यहाँ क्या दे देंगे, ये ब्रैकेट दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब उसके बाद क्या करो, जैसे बचपन में पढ़े, 10 को इधर से इधर मल्टीप्लाई करो, चाहे 10 को शुरू में लिखो, आंसर सेम ही अथी होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाई 2x + 1, ये 9 मल्टीप्लाई 3x - 2। ठीक, नेक्स्ट आगे समझना, 10 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 10 को 2x के साथ करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 2x, फिर 10 को 1 के साथ, प्लस 10 मल्टीप्लाई 1, 9 को किसके साथ करेंगे, 3x के साथ, तो 9 मल्टीप्लाई 3x, माइनस 9 को, बीच में माइनस है, माइनस दो, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, बचपन में सिखाए ना मल्टीप्लिकेशन जी, तो वही तो करना, 9 को 3 के साथ और 9 को 2 के साथ। ठीक, उसके बाद आपको क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 2x कितना, 20x, 10 मल्टीप्लाई 1, 10, 9 मल्टीप्लाई 3, 27x, 27x और माइनस 18। अब ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया, तो सूर्य से बता रहे हैं, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 1 भरे, x वाले को x ऐड करो, बिना x वाले को x ऐड करो, है ना। ठीक, तो 20x हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना बाबू, ऐसा अंकल वीडियो ऑन कर जी, 27 को पकड़ के राइट साइड लाओ, ये जो 27 है राइट साइड आएगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू साइन दो, इधर क्या है सर, -18 है, -18 है, 10 को पकड़ के राइट साइड लेके जाएंगे, तो +10 है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अभी बचपन में पढ़ाएं, 20 - 27 बताए बचपन में, 20 - 27 कितना, -7। अगर इस समय दिक्कत है बाबू, तो एक्स्ट्रा बैच चलेगा उसमें अपना, आना, -8 - 10, -18 - 10 कितना, -28 होगा। अब ऐसा का दोनों साइड, कल ही बोले बाबू, दोनों साइड अगर माइनस आया, कोई प्लस माइनस वाला टर्म नहीं है, तो माइनस माइनस मार सकते हो, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 7x = 28, x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, x के साथ 7 क्या है, मल्टीप्लाई, तो राइट साइड जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड जाएगा कैसे, डिवाइड में। ठीक, 7 का 28 टेबल पढ़ो, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, तो x = 4 क्या हो गया, आंसर हो गया, तो x मेरा अकेले हो गया ना, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखो जिसको नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन समझो, लिख रहा है स्वर बाबू, आज आपका कॉपी चेक करेंगे स्वर, नहीं लिखल रहेगा तो 50 सर आपके पहले बना के बैठा हुआ हूँ, हाँ आज चेक करते हैं, सर कर लीजिए, मैंने भी कर, अगर क्या क्या सर इक्वल के बाद सर दिख रहा है कि नहीं, चेक किया जाता है सर, दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए, अरे सर शांत रहो, सर आपने 7x के पहले क्या लिखा है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस काटा गया है, माइनस माइनस को कैंसिल किया गया, माइनस माइनस क्या किया गया, कैंसिल किया गया, दिख रहा है, अच्छा ये बीच में इक्वल टू है, इसके आगे माइनस है और यहाँ -28 है,
कि माइनस माइनस को काटा गया है। सर आप ऑनलाइन कैसे कॉपी चेक करते हैं? नेक्स्ट बाबू, अगला को जिसको नहीं समझ में आया अगला समझो। सर रुकिए, सर आप ऑनलाइन कैसे कॉपी चेक करते हैं? सर रुक जाइए। क्या बोले काव्य, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना बाबू, ऑनलाइन में क्या करते हैं नहीं करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाइए ना। हाँ बोले, जल्दी लिखे बाबू अगला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तनु म्यूट कीजिए जी। म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट है जी। क्वेश्चन नंबर 683। जैसे क्या कर रहा भोला, 5x-7 अपॉन कितना है बाबू, मान लो 2x-2 अब बराबर मान लो 4 है ना। तो कैसे करेंगे शांति से समझना, यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है, x की वैल्यू निकालने का रहा, क्या कर रहा x की वैल्यू निकालने, कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे वो है ना, इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ शांति से सुनिए, अच्छा ठीक है शांत रहिए, कैसे सोल्व करेंगे सर, करा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ना एक्स है, यहाँ न्यूमरेटर में भी एक्स है डिनोमिनेटर में एक्स है, तो कौन मेथड से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, 5x-7/2x-2 बराबर कितना 4। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं सर, तो आपको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करे बताएं, तो यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है, तो बचपने से सिखा रहे हैं बाबू है ना कि 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे सर, हो गया डिनोमिनेटर में नंबर मेरा आ गया ना, हाँ सर, अब 1 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 2x-2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ है ना, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, ये यहाँ गया यही ना क्रॉस हो गया, मतलब क्या सर, 5x-7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ है ना, इक्वल टू 4 है 4 लिख दिए, और 4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करो, 2x-2 के साथ, 2x-2 के साथ है ना, बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई समझा जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखें। अब 1 के साथ किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो मेरा वही नंबर होता है, 1 × 1000 1000, 1 × 7 5x-7 यही नंबर रह जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करने से नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है ना, तो 5x-7 ही रह जाएगा है ना, अरे 1 को 5x से करो 5 होगा ना, 1 को 7 से करो 7 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 5x-7 हो जाएगा, 4 को 2x के साथ 4 × 2x माइनस है माइनस 2 4 × 2 5x-7 4 × 2 = 8 x और माइनस 8 ठीक, x को एक साइड पकड़ के लाओ, अब बिना x वाले को एक साइड लेके जाओ, बचपने से सीखे तैयार हैं, x मेरा इधर आ जाएगा 5x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -8x हो जाएगा, इधर -8 है, -7 राइट साइड लेके जाओ तो -7 राइट साइड जाएगा, किस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो +7 हो गया, ये बचपने में सिखाए सब चीज, तो बचपने में सिखाए अभी थोड़ी कुछ सिखा रहे हैं, 5 - 8 बचपने में सिखाए, क्या हुआ संकाल, 5 - 8 कितना बचपने में सिखाए, मम्मी के मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, आप वाला से कनेक्ट कीजिए, अच्छा वीडियो देखिएगा, -8 + 7 बचपने में सिखाए, सारा बचपन में सिखाया गया, -8 + 7 कितना -1, अब दोनों साइड माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, मार सकते हो आप लोग, -1 मर गया,
ये माइनस माइनस मर गया तो कितना बच गया, थ्री एक्स बच गया बराबर वन। एक थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो वन बटा थ्री। तो एक सब अकेले हो गया, एक्स के साथ कुछ नहीं ना, तो हम लोग कहेंगे एक्स बराबर वन बाई थ्री क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। जिसको नहीं समझ में आया अगला डन सर, इतना कूटेंगे ना अंशिका, होमवर्क बना के कहानी भेजती है जी, डन डन करते रहती है। सर मैंने नहीं कहा, सर मैं बोल रहा हूँ। भेजियो कल का होमवर्क बाबू। यस सर। अभी रुको चेक करते हैं। जल्दी लिखे बाबू। सालनी फेयर वगैरह का कार्यक्रम चलता है सालनी? ए बोले सो के पढ़ते है जी सर, लिख लेता तो। अच्छा अभी चेक करते आप, जल्दी लिखिए। सर एक खुद से करने के लिए दीजिए। बना वन माइनस नाइन बाई नाइनटीन माइनस थ्री बाई बराबर पांच बटा ए फाइव बाई एट। जल्दी करो सर, क्या लिखे हैं सर? वन माइनस नाइन बाई नाइन माइनस थ्री बाई नाइनटीन माइनस थ्री बाई बराबर फाइव बाई एट। करो जल्दी से। गुड इवनिंग सर। सर कर रही हूँ फास्ट। जल्दी करो राजनंदनी। वन माइनस नाइन जल्दी कीजिए सालनी बाबू। सालनी वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सर गुड इवनिंग सर। बोलिए सर वो क्या लिखा है? 19। हाँ 19 है, 19 है। 19 माइनस थ्री का लिखा हुआ है। हाँ 19 माइनस थ्री बाई लिखा हुआ है। जल्दी करो किसका आंसर आता है। म्यूट करो अगस्त्या। बनाओ सालनी, बड़ी कहती हमको आता है। बताओ शांतनी बाबू, ये सब शैतान है। अली कहती हमको आता है, बनाइए आप, बनाइए जल्दी बनाइए। सर हाँ जी सर डन। कितना आया सर? y = 29 by 19 गलती है। कैसे सर? कैसे का कैसे, बनाता शैतान, बनाई भी नहीं किया था, गलती रहेगा ना, झूठ खाली आंसर बोलते रहता। सर बना लिया, मैं आपको भेज देता हूँ। आप भेजो भेजो जल्दी सर, अभी भेज दो। हाँ अभी भेजो, देर कुछ का, जल्दी करो संकाल। सर नेहा सर आंसर आ गया। कितना आया सर? 87 बाय माइनस 57। गलती है कछुआ, जल्दी करो। कितना है सालनी? कितना है संतनी? कहती अभी कर रहे हैं सर, पर उन लोग का मैं जानता हूँ। Is equal to 87 by 57. 87 by 57.
पहले सिंपलीफाई करूं सर मेरा सिंपलीफाई करो ओके सर सो किसको डबल मार्क प्लस सर पीपीटी हमने तो उसकी कॉपी दिखाती हो म्यूट करो इसका बोले कहां चिड़िया घर में रहती है इसका इस सब चिड़िया घर में जाकर रहती है आंसर क्या है इसका सर मेरा ये बोलिए ना बाबू सर आंसर 29/-19 आएगा इसका आंसर होगा -29/19 कितना है साल ने सर 28/-28/18 सर मैं आंसर बोलूं सर -29/19 देखो सर मेरा 5/7 सर -29/19 अच्छा ठीक है देखो चलो देखो क्या करेंगे जिसको नहीं समझ में आया शांति से सुनो शांति से सुनो अर्णव बाबू मेरा अर्णव चुप रहा था आंसू तो सुनो जल्दी से सुनो है शैतान शांत रहो मन से पढ़ना आशुतोष बाबू मन से पढ़ना शांति नहीं मेरा अरब कहाँ गया अरब कहाँ है जी नहीं है जी ये अरब शैतान कहाँ गया अच्छा तो भी पिटाई चाहिए ठीक 1-9/9-3/ है ना ठीक बाबू इसको क्या करेंगे सर देखो शांति से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1-9/ ये 8 को ही दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना तो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखो चाहे मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखो दो जगह में किसी एक पोजिशन पे लिख सकते हो 8 को ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई ब्रैकेट लिखना मल्टीप्लाई इधर लिखते हैं ना इधर लिखेंगे नेक्स्ट बाबू ये दोनों टर्म है बाबू इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 × 90 − 3/ अगर इस तरह से 5 को इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो सिर्फ 19 का मल्टीप्लाई समझा जाएगा सब टर्म का नहीं समझा जाएगा ना ठीक तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे बचपन में जो सिखाए 8 1 जा 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस है -2 8 को 9/ के साथ ठीक नेक्स्ट 5 को 19 के साथ म्यूट कर दीजिए 5 को 3/ के साथ सर 8 नहीं होगा उधर सर शांत रहो सर पढ़ते लिखते नहीं खाली हल्ला करते नेक्स्ट बाबू इतना कर दिए उसके बाद क्या करना सर कुछ नहीं करना 8 को 1 के साथ करेंगे 8 हो जाएगा 8 9 जा 72 हो जाएगा 2 हो गया 5 19 जा 95 हो जाएगा था 5 3 जा 15 हो जाएगा 2 वाले को एक साइड बिना 2 वाले को एक साइड है ना तो ये क्या हो गया -72 2 हो गया ठीक 2 वाले को पकड़ के -15 को पकड़ के राइट साइड लेके आओ तो माइनस है तो 5 + 15 2 हो जाएगा इधर 95 है ये 8 है इसका आगे नहीं कुछ है तो प्लस 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा -8 में है ना नेक्स्ट बाबू ठीक इसे तन उत्कर्ष कहाँ गया जी क्या कर रहा है उत्कर्ष सर अल्लाह मत करो ये उत्कर्ष क्या कर रहा है जी ये सब शैतान सर एक चीज पूछ रहा है अच्छा अल्लाह मत कीजिए 72 − -72 + 15 −72 + 15 कितना हो जाएगा इसको घटाओ है ना कितना हो जाएगा घट के जी ये आ जाएगा 57 आ जाएगा 57 -57 95 में ये घटाओगे 87 आ जाएगा ठीक नेक्स्ट वो कहाँ गया था जी उत्कर्ष तो भागल है अब 57 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस से डरना नहीं है माइनस हमको कुछ नहीं करेगा माइनस 57 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में ना है तो -57 ये साथ साथ जाएगा मतलब 2 = 87 हो गया और ये 57 क्या चल जाएगा नीचे चल जाएगा तो -57 हो गया तो माइनस को नीचे लिखो चाहे माइनस को ऊपर लिखो दोनों का मतलब सेम होता है
है ना, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक ठीक बाबा, तीन से चाहो तो सिंपलीफाई कर, तीन से चाहो तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हो सर, है ना। हाँ जी सर, तो सही था लेकिन बाई को हमको अकेले रखना रहता, बाई के साथ माइनस प्लस नहीं रखते, बाई को हमेशा अकेले रखते। आपने वहाँ एट को काट दिया है, काटे नहीं जी, एट मल्टीप्लाई है। एट है, थ्री से कैंसिल आउट करो, थ्री से तो ये कितना हो जाएगा, 29 थ्री जा और ये 19 हो जाएगा, तो बाई बराबर है ना, कितना हो जाएगा माइनस 29 अपॉन 19 हो जाएगा। तो बाई को हम लोग अकेले रखते हैं, है ना, माइनस बाई लिखो भी गलत नहीं होगा, लेकिन बाई का हमको अकेले रखना, क्या रखना, अकेले रखना, है ना। ठीक सर, उसको 19 बनाने के लिए। अच्छा देते हैं, रुको ना, पहले उत्कर्ष को कूटने दो ना सर, ये तो बहुत इजी है। हाँ बाबू इजी है, सारा पढ़ाइए इजी बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये कहाँ फरार है मैम, बतिया रहा तो पढ़ाई जरूरी, एक बतियाना जरूरी है। उसको भी बुला के बैठ लेता, उसके बाद 10 मिनट के बाद बतिया लेता। लाज छोड़ के गाय बोले। नेक्स्ट बाबू, एक क्वेश्चन, 29 बाय क्या लिखा है, 19 है बाबू, 19। नेक्स्ट बाबू, हाँ जी क्या हुआ जी। सर मैं बोल रही थी, आप -87/57 को किसके साथ काटे हैं, तीन से काटा ना, 29 + 87 और 19 + 57, तीन से कैंसिल आउट करो। अच्छा अच्छा अच्छा, आए सर दोनों साइड एक्स रहेगा, तो सर जैसे क्वेश्चन नंबर 685 सर, इसको बनाना है, करो अटेम्प्ट करो, एक्स प्लस टू और कितना है, एक्स प्लस फाइव बराबर एक्स बाई एक्स प्लस सिक्स, करो तो जल्दी से, x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव बराबर एक्स बाई एक्स प्लस सिक्स है, जल्दी करो बाबू, दोनों साइड x रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे सर, उसी टाइप से करना है ना। हाँ उसी टाइप से करना, जल्दी करो, जो आसान है आसान है, जल्दी करो फिर हम बताते हैं, जल्दी करो बाबू, शांति नहीं यशुतोष बाबू, जल्दी करो जी, x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव बराबर x बटा एक्स प्लस सिक्स है, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक मिनट मात्र टाइम है, जल्दी 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 जल्दी। सर ये बाइनोमियल वाला है। हाँ बाइनोमियल वाला, एगो बाइनोमियल एगो मोनोमियल हो जाएगा, जो पीछे पढ़ा है वही सब यूज होता है, आगे तो आपको कुछ हमको पढ़ाने नहीं है, जल्दी जल्दी मात्र एक मिनट बच रहा, जल्दी 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 बाबू, गलती सलती जो भी होता है कीजिए जल्दी, हम लोग गलती भी करेंगे तो उसमें भी हम लोग सीखेंगे, क्लास का लीव कर दिया जी,
बाबू आरव क्लास लीव काय कर दिया जी बोलता कुछ क्लास लीव काहे कर दिया बाबू आंख में दर्द हो रहा अच्छा भी मम्मी सर जो चीज इज इक्वल टू के बाद है और इज इक्वल टू से पहले है उसको कट कर सकते हैं ना हां बाबू सर मेरा आंसर आ गया 8x plus 12 is equal to 5x हाँ तो फिर x को एक साइड करके सॉल्व करो x की वैल्यू निकालना है देखो बाबू क्या जिसको नहीं समझ में क्या कह बाबू शांतनी और शैतान सालनी सर जल्दी 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 सर आंसर माइनस फोर आएगा यस सर मेरा भी माइनस फोर ही है सर मेरा भी माइनस फोर आया बनाती है नहीं एगो का बोलती है तो सब उसी पीछे पीछे बोलना शुरू कर देते बनाना उनाना है नहीं सबका तनु नहीं बनाई ऐसी खाली चिल्ला रही शांत रह जी तनु पहले पढ़ो तनु बनाती उनाती है नहीं खाली पीछे पीछे बोल देती है चोरी कर लेती है नेक्स्ट वक्त देखो कैसे करना देखो कैसे करना वो आसान सा है जितना पीछे सिखाए उसी को याद करते हुए चलना आगे कुछ हमको नहीं पढ़ना पीछे वाला ही कंसेप्ट है ना हम लोग क्या बोले ये वाला टर्म है ये पूरा जो टर्म है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो ठीक तो ये दोनों टर्म को ये दोनों टर्म के साथ मतलब क्या सर एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस सिक्स ये इसको मल्टीप्लाई इसके साथ तो हमको दोनों टर्म के साथ करना ना तो ब्रैकेट देना है ना और अगर ऐसे करोगे तो सिर्फ एक्स का मल्टीप्लाई समझा जाएगा इसको भी ब्रैकेट में लिखो ठीक एक्स प्लस फाइव को किसके साथ एक्स के साथ तो एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस फाइव के साथ यही करो है ना ठीक नेक्स्ट ठीक शांत रहो अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ाएं बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ होला बाइनोमियल के बाइनोमियल ये भी बाइनोमियल ये भी बने तो आप लोग क्या बताए थे एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को ये दोनों टर्म के साथ एक्स प्लस एक्स प्लस टू है तो किसके साथ इस दोनों टर्म के साथ एक्स प्लस सिक्स एक बार एक्स को ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो फिर दो को ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो ठीक नेक्स्ट यहाँ एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स को एक्स के साथ बीच में प्लस एक्स को एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो फिर एक्स को फाइव के साथ एक्स मल्टीप्लाई फाइव है ना नेक्स्ट अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो एक्स को एक्स के साथ कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई x फिर x को 6 के साथ प्लस x इंटू सिक्स टू को x के साथ 2x 2 को 6 के साथ 2 इंटू सिक्स यही होगा बचपने में सिखाए थे x मल्टीप्लाई x नहीं कुछ पावर है तो ऐड हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा x मल्टीप्लाई 5 5x हो जाएगा है ना यही सिखाए x मल्टीप्लाई x बचपने में सीखा है x स्क्वायर हो जाएगा x इंटू सिक्स सिक्स एक्स हो जाएगा प्लस टू एक्स हो जाएगा और सिक्स टू इंटू सिक्स कितना ट्वेल्व हो जाएगा बराबर x स्क्वायर अब प्लस फाइव एक्स हो जाएगा है ना ठीक बोला नेक्स्ट वर्ड अब सारे टर्म x वाले को इधर पकड़ के लाएंगे x वाले को बचपन में बोले थे ना कि किधर पकड़ के लाएंगे इधर राइट साइड तो इधर वाला टर्म लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस टू एक्स कितना बचपन में पढ़ाए थे एट पढ़ाए थे एट एक्स प्लस बारह इसको पकड़ के सारे को इधर लाओ एक्स स्क्वायर को इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर फाइव को इधर आओगे तो माइनस फाइव एक्स ठीक एक्स वाले टर्म को एक साइड में किए यहाँ बारह है सर तो बारह को राइट साइड लेके जाओ ट्वेल्व को क्या करो राइट साइड लेके जाओ तो यहाँ पे बारह लिखा गया यहाँ से ये राइट साइड लेके जाएंगे
यहाँ से क्या करेंगे इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर थोड़ा सा इसको ज्यादा बीच में गैप है आप लोग को टेंशन, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस फाइव एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मर जाएगा, बचपन में सिखाए थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मर गया, क्या बच गया ई एट एक्स हो गया और माइनस फाइव एक्स हो गया, उधर क्या हो गया माइनस बारह, एट माइनस फाइव बचपन में सिखाए थे कितना होता है थ्री एक्स होता बराबर माइनस बारह, सब चीज बचपन में सीखा अभी कुछ नहीं आपको सीखा। एक्स के साथ तीन क्या मल्टीप्लाई में है तो माइनस बारह मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तीन के साथ ट्वेल्व फोर टाइम में मरेगा तो एक्स बराबर माइनस फोर आंसर हो गया, तो एक्स बराबर अकेला हो गया यही आंसर हो गया। तो कुछ थोड़ी आसान है खाली कंसेप्ट सीखना है, राइट डाउन करो। गुड इवनिंग सर। अच्छा बाबू, गुड इवनिंग सर। ठीक है जी, गुड इवनिंग बाबू, अभी रुके अभी क्लास आपका स्टार्ट नहीं हुआ, आराम से बैठिए अभी। नेक्स्ट बाबू सर होमवर्क दीजिए और दूसरा लिखवाइए ना। दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, जगह रहेगा तो ना देंगे बेटा। सर ऊपर से मिटा दीजिए ना, लिखो ना कोई दिक्कत नहीं है। 2x minus 3, 3x plus 2 बराबर 2 by 3। सर इसमें बस जो अभी करा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वो, और फिर इससे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला कराए थे वो करना है इस क्वेश्चन में, और जो भी आपने कराया था लीनियर इक्वेशन में वो जो इक्वल माइनस 12 लिखा है वहाँ पे वाला भी लिखा है। सर आपने इक्वल टू के बाद क्या लिखा है 640 ये भी लिखना माइनस 2 में। सर 3x प्लस 2 लिखा है। हाँ 3x प्लस 2 है। सर इक्वल टू के बाद क्या लिखे हैं वही पहले नंबर में। हाँ 2 बटा माइनस 3 है जी, 2 बाई माइनस 3 है। सर माइनस तो कहीं पे भी लिख सकते हैं ना। हाँ माइनस कहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है रुको देख रहा हूँ। ठीक है जिसको नहीं दिख रहा फोटो खींच के भेज रहे। तनु होमवर्क बना के भेजे बाबू, कल आपके आपको यहाँ फोन करते मम्मी से बाबू, आपको उठा बैठी करवा, कल आपको फिर उठा बैठी करवाते हैं शैतान, 50 बार में नहीं ना पेट भरा। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोली सर, मैं रीसेंड कर सकता हूँ सर सही वाला होमवर्क? अब दुइये क्वेश्चन बनाया था जी, तीन को दिए थे तो दुइये को बनाया था सर, तीन को बनाया था सर, आपको भेजा तो। अच्छी बात है, चलो सर लगता है ब्लर आ गया होगा। गुड इवनिंग सर। चलो